हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं अर्ली मॉर्निंग काली माँ के गाइडेंस। और ये गाइडेंस में आपको पता चलेगा कि आपके दिन कैसे होने वाले हैं एंड एट द सेम टाइम आपको कैसे डे को स्पेंड करनी है एंड आपको माँ की तरफ से सजेशंस भी मिल जाएंगे। सो एंड तक देखिएगा वीडियो। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ माँ होता है और ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज नहीं करूँगा। तो चलिए काली काली महाकाली काली के पापा निधर्मतम के देवी नारायण नमस्ते माँ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दे दीजिए। काला धारा, कल से आज का जो सफ़र रहा वो है काला धारा माँ का सफ़र। यू नो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि फाइनली यू आर मर्जिंग विथ योर हायर सेल्फ, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज कर रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, आप सही निर्णय ले रहे हो एंड अपने अंदर के जो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो। सो आई थिंक बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बट उसके साथ आप लड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं बट उसके साथ आप लड़ रहे हो। सो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दोज ऑड्स, यू आर बेसिकली ब्रिंगिंग जस्टिस, यू आर मेकिंग एफर्ट, यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। लाइक आप ये जो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो ना, इसका साफ झलक आ रहे है आपके चेहरे पर, क्योंकि काला धारा माँ आपको बोल रहे कि हो सकता है कि एक नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर नेगेटिव सिचुएशंस आपको परेशान करके रखे हैं, बट आपके अंदर का पॉजिटिव लाइट आपको उस नेगेटिविटी से एकदम एक डिफरेंट किस्म के जोन पे लेके आ रहे हैं। माँ आपको बार बार एक लाइट प्रोवाइड करे, पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे और बार बार जो भी क्वेश्चंस आप मांग रहे हो उसका आंसर्स दे रहे थ्रू मीडियम, थ्रू टैरो, थ्रू एनी डिविनेशनल टूल। सो इसीलिए आप देखोगे जो भी साइंस आप देख रहे हो, जो भी रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, रिमाइंडर्स देख रहे हो, ये सब के साथ आपके लाइफ भी जुड़ा हुआ है। लाइक ऐसा आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो भी आप देख रहे हो, बिकॉज ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि माँ आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं। सजेशंस ये है कि शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे और वहाँ से मैं आपको बुला के लेके आ रहे हैं। कोई भी सिचुएशंस लाइक फ्यूचर रिलेटेड एनजाइटी हो सकता है, काम रिलेटेड एनजाइटी हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, घर वालों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ से आप एकदम खुद को मोटिवेट करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल रहे हो एंड आप अपने काम को यू नो लेके चल रहे हो। लाइक यू आर नॉट क्लोजिंग योर वर्क, आप अपने काम को बंद नहीं कर रहे हो। सो माँ आपको बोल रहे कि ये जो आपके माइंडसेट है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं, लाइक द शो मस्ट गो ऑन टाइप माइंडसेट। सो आज आप ये दिन को स्टार्ट कर रहे हो विद ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स एंड देन यू आर रिमूविंग दोज नेगेटिव थॉट्स एंड देन यू आर कमिंग टू अ कंक्लूजन और अ सोल्यूशन। तो ऐसा हो सकता है एक परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट्स के क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये डर से बाहर आ रहे हो सुबह उठ, मतलब एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग आप सुबह जब उठ रहे हो तभी आप एक डिसाइड कर रहे हो कि आज आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं सोचेंगे, आप आज कुछ काम को करेंगे। जो चीज़ को आप डर रहे हो उस डर को फेस करोगे, जो भी इफ्स एंड बट्स थे उस चीज़ को क्लियर करोगे, मिसअंडरस्टैंड्स को क्लियर करोगे। अगर कोई पर्सन आपसे बात करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए थे तो आप उस पर्सन को टाइम दोगे। आई थिंक कुछ हिडन इश्यूज है आपके लाइफ में जिस चीज़ के बारे में आप फोकस करोगे। सो काला धारा मतलब क्या है कि शायद आप सोच नहीं पा रहे थे, शायद आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा था, बट सुबह उठ के आपको कोई क्लू मिलेगा। बट अगेन पहला जो झलक होगा दिन का वो होगा एक नेगेटिव थॉट्स एंड देन आप उस नेगेटिव थॉट से बाहर आके पॉजिटिवली सोचोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के सर दर्द लाइक एक साइड पे, खास करके लेफ्ट साइड पे आपका पेन महसूस आप कर सकते हो बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन योर थर्ड आई। सो आपके थर्ड आई ओपन हो रहे हैं, परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं, नए नज़रिया देख पा रहे हो, सो इसीलिए थर्ड आई के ऊपर प्रेशर हो सकता है। सो सर दर्द महसूस कर सकती है, बट टिंगलिंग सेंसेशंस आपके स्पाइनल कॉर्ड के आसपास आप महसूस कर सकते हो, ये
ये एक साफ इंडिकेशन है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हैं आपके. लेट्स सी और क्या मैसेज आपको माँ दे रहे हैं इस वक्त. यस, देवी माँ काली यहाँ पे छुटकारा मिल रहा है प्रॉब्लम से, एंड एट द सेम टाइम माँ आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आप कोई अगर मिस्टेक्स किए हो, या फिर अगर आपके मन में कोई गिल्टी फीलिंग है, या फिर आप सोच नहीं पा रहे हो कि कैसे आप कोई चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो माँ आपको बोल रही है कि उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कितना भी मिस्टेक कर लो, मैं आपके साथ हूँ. ये माँ आपको ये बोल रही है कि माँ आपके साथ है, लाइक 24/7 यू विल गेट सपोर्ट. अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज हो रहा था, या फिर कोई डिप्रेशंस, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत रिजेक्टेड फील करवाए है, या फिर आपको ऐसा लगा है कि आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं किए है, खास करके मम्मा पापा के साथ अगर कुछ हुआ है, या फिर आपके बच्चे के साथ अगर आप एक डिस्टेंस फील कर रहे हो, सो यू विल फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिलाइटफुल, बिकॉज आज आप बहुत क्लोज बॉन्ड किसी के साथ महसूस कर पाओगे. हो सकता है रिलेशनशिप का इशू सॉल्व हो जा रहे, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे, एक बहुत बड़ा चिंता ख़त्म हो रहा है, यू नो, माँ आपको फ्री कर रहे आपके एग्जिस्टिंग पैटर्न से. तो देवी माँ काली का भी सेम एक आधा चंदा, आप क्रिसेंट मून भी बोल सकते हो. दीज ऑल आर, अब देखोगे दोनों कार्ड्स ही सिमिलर है, इसका एक ही मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो. पहले जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, अभी उस चीज़ को आप उतना अच्छा नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आपके लिए स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल लॉ अलग हो गए हैं. अभी आप प्रायोरिटी दे रहे हो अपने काम को, अपने लाइफ को, अपने परमात्मा को, अपने नॉलेज को. आप अभी प्रायोरिटी दे रहे हो अपने अपने अंदर के पीस को. ओके, यू आर नॉट रनिंग फॉर अ क्लब, यू आर नॉट लिसनिंग हाई वाइब्रेशनल, यू नो, बहुत ही लाउड म्यूजिक. अभी आप सॉफ्ट येट एनर्जेटिक म्यूजिक सुन रहे हो. आई थिंक म्यूजिकल चेंज हुआ है, टॉपिक चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट देख रहे हो, पढ़ रहे हो. यू आर अट्रैक्टेड टू मच मोर मीनिंगफुल लाइफ. सो अभी आप वो सब छोटे छोटे चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप लाइफ में वेट कर रहे हो कि सही टाइम आने के लिए. अगर कोई पर्सन आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उसको आप फॉरगिव कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो. यू नो, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ सेल्फ प्रोटेक्शन, हीलिंग एक्टिविटीज भी आप स्टार्ट कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो. सो ऑल इन ऑल मैं ये देख सकता हूँ कि यू आर नर्चरिंग योर सोल, यू आर नर्चरिंग योर फैमिली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रे कर रहे हो, किसी का वेल बींग के लिए प्रे कर रहे हो, किसी का जॉब मिल जाने के लिए, या फिर किसी का तबीयत ठीक हो जाने के लिए. सेम टाइम प्रेगनेंसी रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, एंड सेम टाइम आपको ये भी बोल रहे हैं कि रीबर्थ हो रहे हैं. सो कुछ चीज़ आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, बहुत पहले सोचे थे उसके बाद भूल गए थे, अभी फिलहाल वही चीज़ आपके दिमाग पे आया है कि नहीं कुछ चीज़ करना है. शायद आपको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और अभी शायद खुद को आप प्रूव करने के लिए आगे बढ़ोगे. सो आज का दिन है Getting a clue, उसके साथ साथ getting an unknown help. आज आपको कोई unknown help मिल सकता है, आज आपको कोई एक अंदर से ताकत मिल सकता है. Like जो चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उस चीज़ को आप बहुत आसानी से करने वाले हो. And यू नो, जैसे कि माँ आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से एक motivation महसूस होगा, strong महसूस होगा, एक protection shield आपको महसूस होगा. एंड यही माँ आपको बोल रही है कि दूसरे के नेगेटिव एनर्जी आप ले रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे. लाइक आप अपने स्टैंड स्ट्रॉन्गली लो, आप अपना बात बोलो. लाइक जब तक ना आप अपना ज़रूरत को बोलोगे या फिर समझोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चाहते हो आप. बेसिकली क्या हो रहा था, आप एस्केप करके भाग रहे थे, आप चीज़ों को एस्केप कर रहे थे, भाग रहे थे. नाउ अभी माँ आपको बैठ के समझा रहे. अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रहा था, इंसोमेनिया, उससे छुटकारा मिल रहा है. कोई भी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ था, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है. आई थिंक अगर आपके बच्चे के तबीयत को लेके, स्टडीज़ को लेके, कैरियर को लेके अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, तो माँ आपको बोल रहे कि आपके बच्चे माँ का भी बच्चे है. सो यू नो,
दे विल गेट ऑल्सो गुड न्यूज एंड दे विल ऑल्सो डू वेल इन देयर लाइफ. सो ये एक इंडिकेशन है कि कल रात अगर आप कोई सपने देखे हुए, दिस इज अ साइन कि माँ आपके साथ है, माँ आपके घर में है. अगर आप मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हो, लोनली महसूस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सही तरीके से समझे नहीं है, तो माँ आपको बोल दे रहे हैं कि किसी को ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद को समझिए पहले, ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएगा. जो आपके साथ है माँ उसको आपके साथ ही रखेंगे, जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए हार्मफुल है माँ उसको हटा देंगे. सो ट्रस्ट इन हर. जब तक किसी का इंटेंशंस बहुत अच्छा है वो तब तक आपके लाइफ में है, जब तक वो बुरा सोचेंगे तो माँ उसको आपके लाइफ से कट ऑफ कर देंगे. आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, जो डिवाइन जस्टिस है वो आपको मिलेंगे क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो और जो भी गुड वर्क आप किए हो उसका रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा. कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इनकमिंग मैसेज, तो कोई इनकमिंग मैसेज आपको मिल सकता है फ्रॉम समवन यू लव, एंड हो सकता है कि कोई आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कुछ चीज़ को. शायद उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा दुश्चिंतित थे या फिर आप सो नहीं पा रहे थे या फिर उस मैसेज उस इंफॉर्मेशन के तलाश में आप थे. ये किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉब रेफरेंस यू नो इंटरव्यू लेटर, या फिर किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ऑनलाइन में कोई डिलीवरी फंसा था और वो क्लियर हो रहा है, कोई पैसा फंसा था वो क्लियर हो रहा है, लाइक रिलीफ मिल रहा है आपको. ओके किसी चीज़ से, लेट्स सी. वाह काली यंत्र, दैट इज इट. टुडे यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम डिवाइन. तो आज आपको माँ बोल रहे कि शायद अंदर से बहुत लोनली महसूस कर रहे हो, इसीलिए माँ आपके साथ हमेशा है. लाइक पहले स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज माँ का सपोर्ट मिलेगा. आज है सैटरडे, सो जितना हो सके माँ को प्रेयर कीजिए, जितना हो सके माँ को ऑफरिंग्स दीजिए. लाइक ऑफरिंग्स मतलब ये नहीं है कि मिठाई या फिर कोई बाहर की चीज़, ऑफरिंग मतलब अंदर के डेडिकेशंस. तो माँ आपको बोल रहे हैं कि डेडिकेटिंगली काम करते जाओ, जो आपके लिए है वो आपके साथ वो आपके सामने आ जाएंगे. लाइक आपके लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो रहा है और वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप माँ से मांगे थे कि माँ मेरे लाइफ को चेंज करवाइए आप, और चेंज ऐसे नहीं होता. अगर आप रिपीटेटिवली अपना मिस्टेक्स को करते जाओगे तो उसका सेम रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर, मतलब सेम रिजल्ट ही आपको मिलेगा. कहीं ना कहीं एक इनर फाउंडेशंस में चेंज लेके आ रहे हैं माँ. माँ आपको डिफरेंट तरीके से आगे लेके जाएंगे, माँ आपको डिफरेंट तरीके से लीड करेंगे. सो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि अभी जिस तरीके से आप लाइफ में हो, शायद आपको और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बट इसके लिए चिंता मत कीजिए, डिवाइन सपोर्ट आपको मिल जाएगा. आपको सिर्फ ओपन रहना है, आपको सिर्फ ओपन रहना है, बाकी सब काम माँ कर देंगे. और एक चीज़ कि जब आप डिस्टॉर्टेड हो जाते हो तब आप अपने गोल से बहुत दूर हो जाते हो. ऐसे मत करिए, आपके फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वो आपके इनर वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. सो आपके इनर वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड के बीच में एक दूरियाँ बना के चलिए. फिजिकल वर्ल्ड में रोटी कपड़ा मकान का चिंता है, प्यार मोहब्बत का नाटक एंड ड्रामा भी है, बट इनर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है परमात्मा एंड आपके कारण शरीर, आपके सूक्ष्म शरीर एंड आपके जो स्थूल शरीर है, इन तीनों का एक रिलेशनशिप. सो इनर फाउंडेशन मतलब जहाँ पे आपका भक्ति होना चाहिए, साहस होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, जहाँ पे आपको एक एक डिवाइन सपोर्ट होना चाहिए. सो यहाँ पे इनर फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. सो जब इनर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो बाहर के दुनिया में उतना खास कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है. अक्सर आप डिप्रेस महसूस कर सकते हो, लेजी महसूस कर सकते हो, क्योंकि अंदर में आपके सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहे हैं. सो इसीलिए आप बहुत स्लो महसूस करोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ स्लो है. इसका मतलब ये है कि माँ प्रिपेयर कर रहे कुछ बहुत बड़े चीज़ के लिए. रिमेंबर वन थिंग, अगर माँ आपके घोंसले को शेक कर रहे, मतलब माँ आपको उड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो यस, माँ आपको पुश कर रहे आपके लिए जो बेटर है उस डिसीशंस को लेने में. एक बहुत ही बढ़िया डिसीशंस आप ले रहे हो आज, और ये आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीशंस हो सकते हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आज आप अपने फियर को फेस करोगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को एक एक मैं क्या बोलूँ, अपने लाइफ को एक मौका दे रहे हो आप. You are giving a second chance to your life to grow more, to evolve and to live. So, all in all, मैं बोल सकता हूँ एक powerful day with काली माँ के true blessings. But आज के दिन भागिए मत, आज के दिन झगड़ा मत कीजिए, आज क्षमा करने का दिन है.
एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि किसी को कुछ अनकंडीशनली ऑफरिंग मतलब ऑफर करेंगे तो आज आप कर सकते हो. ऑल द बेस्ट, जय माँ काली. आज आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैग प्रणीपन. मैं मिल रहा हूँ आफ्टरनून पे, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए. देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में अक्सर आपके सबकॉन्शियस माइंड अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो नहीं कर रहा हूँ. महाकाली के वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग रहे. तो प्लीज़ देखिएगा, रेफर कीजिएगा जो भी काली भक्त है उनको, एंड एट द सेम टाइम जो सीखना चाहते हैं काली तंत्र को उनको भी आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो, क्योंकि हर कोई आप में से काली डिवोटी हो एंड आपके अंदर काली माँ है. सो माँ आपको जो भी बोल रहे वो सारे चीज़ कलेक्टिवली आपके लिए सच है. किसी किसी के लिए ये सच ऑलरेडी वो देखे हैं, किसी किसी के लिए आप लोग देख रहे हो, किसी किसी के लिए आप लोग देखेंगे इन द फ्यूचर. सो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. बाय, हैव अ ग्रेट डे, बहुत अच्छे से बिताइए. जब भी प्रॉब्लम है तो आप माँ को बुला लीजिएगा, माँ ज़रूर आ जाएंगे. बाय, ऑल द बेस्ट.